नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर माणिक। आज हम अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में जान लेंगे। अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अल्जाइमर्स डिसीज़ 6th लीडिंग कॉज है डेथ का। इसका मतलब क्या है, जो मृत्यु के कारण होते हैं उनमें यह छठे नंबर पर है। इसकी वजह से ज़्यादा मृत्यु होती है उस पर यह छठे नंबर पर है। तो आज हम अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि अल्जाइमर डिसीज़ आखिर है क्या, उसका प्रोग्रेशन कैसा होता है, उसका प्रोग्रेस कैसा होता है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, उससे बचने के उपाय और आखिर में ट्रीटमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम यह देखेंगे कि अल्जाइमर डिसीज़ आखिर है क्या। अल्जाइमर डिसीज़ यह ब्रेन की बीमारी है, यानी मस्तिष्क की बीमारी है। उसमें क्या होता है कि जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो डिटोरेट हो जाते हैं। ब्रेन का जो काम होता है वो कम से कम 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 हो जाता है। जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस डिसीज़ प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रेन में क्या होता है कि जो 2-3-4 ब्रेन सेल्स होते हैं उनका कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन टूट जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से जो ब्रेन सेल डेथ हो जाती है, नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, उनका कनेक्शन नर्व का टूट जाता है। इसी वजह से जो है कि वो ब्रेन जो होता है, नॉर्मल ब्रेन, हेल्दी ब्रेन इतना होता है, वो कम 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 सिकुड़ता जाता है, उसका साइज कम होता है। यह बीमारी जो है वो किसने खोज निकाली, यह बीमारी डॉक्टर अलॉयस अल्जाइमर इन्होंने खोज निकाली सन 1906 में यह बीमारी खोज निकाली। इसी वजह से इसे अल्जाइमर्स डिसीज़ कहा जाता है। यह ज़्यादातर बूढ़े लोगों की बीमारी है, 65 एज जिनका होता है और उनके ऊपर होता है, 65 एज और उसके ऊपर होता है, उनमें टोटल जितनी भी पॉपुलेशन होती है उनमें से 6% बूढ़े लोगों को यह बीमारी होती है। यह ज़्यादातर 65 और उसके एज के ऊपर होता है। कुछ कुछ केसेस में 40 से 65 एज के भीतर के लोगों को भी होता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। अब हम देखेंगे कि अल्जाइमर डिसीज़ का जो मेन कारण है वो क्या क्या है। क्या होता है कि ब्रेन इंजुरी जो होती है, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, हम ऊपर से गिरते हैं, पैर फिसल कर गिरते हैं, कुछ भी कारण होता है, उस कारण में अगर ब्रेन को इंजुरी हो जाए तो क्या होता है कि ये बीमारी भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है हेरिडेटरी, यानी आनुवंशिकता। यह बीमारी फैमिलीज में रन करती है, पिताजी से पोते को, पिताजी से उनके बेटे को, उनके बेटे से पोते को, इनका इसकी फैमिली हिस्ट्री होती है। उसके साथ साथ स्ट्रेस बहुत ही, आज का जो है काम का तान तनाव है, घर में अगर क्वारल्स हो, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हो, उसका टेंशन, काम का टेंशन, घर का टेंशन, इसी बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने के बाद भी अगर पूरी ज़िंदगी ऐसा टेंशन में हो और 65 के एज के बाद यह ऐसा होता है। अब हम देखेंगे कि जो लक्षण है इसका, अल्जाइमर का लक्षण, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कमज़ोर होना, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते। पहले क्या होता है कि छुटपुट जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है कि ये याददाश्त नहीं रहती, याद में नहीं आता। लेकिन पहले क्या होता है कि अभी अभी जो सीखा है, अभी अभी रिसेंट की इवेंट जो है, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 15 दिन पहले जो सीखा है, जो बोला है, जो किया है, वो उन्हें याद नहीं रहता। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पुराने जो इवेंट है, 5-6 साल 10 साल 15 साल उससे पहले के जो है वो उन्हें याद नहीं आते। उनको अपना घर भी याद नहीं रहता, फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें, फैमिली मेंबर्स के नाम भी वो भूल जाते हैं। वो अपने रोज़मर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर सकते, जैसे कि पैंट शर्ट पहनना, उसके बाद खाना बनाना, कौन सा भी घर का जो काम होता है वो अपने आप से नहीं कर सकते। इसीलिए उन्हें एक असिस्टेंट के रूप में एक इंसान मदद के लिए रखना पड़ता है। एडवांस केस में क्या होता है कि वो अपनी बोली भाषा, मातृभाषा जो होती है वो भी भूल जाते, उन्हें क्या बोलना है ये भी समझ में नहीं आता। इसका डायग्नोसिस के लिए क्या करना चाहिए कि अगर आपको कोई भी रिसेंट इवेंट, भूलने की बीमारी हो, अभी क्या किया 2-4 महीने में, यह अगर आप भूलते हो
तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर को दिखाना, फैमिली डॉक्टर को दिखाना होगा होगा डॉक्टर क्या करेंगे कि अगर उनको लगा कि अल्जाइमर का पेशेंट हो सकता है तो वो सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करके देखेंगे उसका रिपोर्ट, और आपके जो लक्षण है अगर वो मैच हो जाते हैं तो आपका डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाएगा। यह एक अनक्यूरेबल बीमारी है। इसका मतलब क्या है कि अल्जाइमर डिसीज़ अगर किसी को हो गया तो यह बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ब्रेन सेल्स की बीमारी है और ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट नहीं हो सकते, फिर से तैयार नहीं हो सकते। इसका प्रोग्रेशन भी है, उससे भी हम रोक नहीं सकते। अभी तक ऐसे कोई भी दवाई नहीं बनाई गई जिससे यह बीमारी ठीक हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनाई गई कि जिससे इसका प्रोग्रेशन, इसका बढ़ना रोका जा सके। जो अभी औषधियाँ है अल्जाइमर डिसीज में दी जाती है औषधियाँ, वो क्या करते हैं कि सिर्फ जो लक्षण होते हैं उनके वो उनको थोड़ा सा ठीक करते हैं और कुछ समय के लिए ठीक करते हैं। अल्जाइमर डिसीज होने के बाद क्या करना पड़ता है कि खान पान का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। खाना अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, तभी जो लक्षण है वो कम हो जाएंगे। आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि मंदिर जाना, भगवान की पाठ पूजा करना, भजन सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाकर बैठना, मिलना जुलना, इससे लक्षण कम हो सकते हैं। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, इसका मतलब क्या है कि अल्जाइमर्स डिसीज होने के बाद आदमी कितने सालों तक अच्छे से जिंदा रह सकता है, वह है 3 साल से लेकर 9 साल तक। कम से कम 3 साल तो कुछ भी नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल तक रह सकता है। लेकिन जो मैंने वो बताया, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वॉकिंग के लिए भी जाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना पड़ेगा, तभी वो 9 साल वो अच्छे से जी सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।